हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 का अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, टिक द करेक्ट आंसर। द स्नेक कम इनटू, इसमें हो जाएगा होल, क्या हो जाएगा होल। द प्रिंसेस वेंट टू अ वॉक, फॉरेस्ट हो जाएगा। द चिल्ड्रन वेंट टू भोजपुर विलेज बॉय, द स्कूल बस हो जाएगा। द मून सनसेट नाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाइट। इसमें अगला देखते हैं इसका, हु वाज द फुल ऑफ जॉय, तो चीची हो जाएगा। इसमें कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है, तो द ग्रीन ग्रास ग्रीव अराउंड हो जाएगा। द पोएट वांटेड टू से हाउ डू यू द लिटिल वर्ड हो जाएगा। आ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, भोला वाज फ्लाइंग अ काइट, अप्पू द एलिफेंट वाज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। इसमें सही अगर आप चिन्ह लगाना है तो पहला जो है ट्रू है, दूसरा फाल्स। इसमें SHEE हो जाएगा, इसमें SEAC हो जाएगा। अगले में विरुद्धार्थी, हैवी का लाइट, अगली का ब्यूटीफुल हो जाएगा। एक लय वाले शब्द बना, जैसे राउंड है तो फाउंड बन जाएगा, बाल है तो काल बन जाएगा, मून है तो सून बन जाएगा। हिंदी में अर्थ लिखना है, अमेजिंग का आश्चर्यजनक, ट्विक का टहनी। अंग्रेजी में शब्द लिखना है तो पत्ती को क्या बोलते हैं, लीफ LEAF, आकाश को SKY स्काई। अगला ये क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता की 3 लगातार पंक्तियां लिखनी है इंग्लिश से। इसमें डू नॉट का उपयोग करते हुए लिखना है। द टीचर विजिट सांची, तो डू नॉट कहाँ पे लगेगा। द टीचर द चिल्ड्रन डू नॉट विजिट सांची हो जाएगा। दे स्टार्टेड इन द आफ्टरनून, इसी तरह इसमें कर लेंगे। इसमें अंडरलाइन द ऑड वर्ड जो अलग है उसमें गोला लगाने, तो ये लगे हुए हैं देख लेंगे। इसमें हमारे इसमें अपने मनपसंद फूल और फल का चित्र बनाना है, तो यहाँ पे चित्र बना देंगे। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग हो जाएगा। मैच रीच करना, मैच करना है तो आई विल का ये हो जाएगा, आई विल कॉल का ये हो जाएगा, आई कैन नॉट का ये हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न हम देख लेंगे। पहला जो प्रश्न है, हाउ वाज द बर्ड कमिंग, हु लिव्ड इन द प्लेस, व्हाट अदर थिंग्स डज द पोस्टमैन ब्रिंग, इन विच क्लास डू यू रीड, ए हु फेल इन टू द डीप होल। आप अपने प्रधानाचार्य जी को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ये 24वां प्रश्न है। और ये 25वां जो है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 5 वाक्य, द काउ, माई स्कूल या माई पेन पे। ये लास्ट है, पहेली के शब्दों को पूर्ण करना, यहाँ पे जी भर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहेली को पूरा करना है, देख लेंगे।